तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे फॉर्म 8 को फिलअप करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहां पर अपने ये फॉर्म 8 को मैं यहां पर भर करके ऑलरेडी रखा हूँ। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए, फॉर्म 8 है स्वयं शपथ पत्र, जो कि ओबीसी अप्लाई करते समय आपको इस फॉर्म को वहाँ पर सबमिट करना होता है। तो उसको आपको भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना होगा, फिर से आपको यहाँ पर अपने गाँव का नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस को यहाँ पर भरना है, उसके बाद ये जो यहाँ पर पुलिस स्टेशन जो थाना दिया गया है यहाँ पर आपको अपना थाना का नाम देना है, उसके बाद आप जिस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, जैसे कि प्रखंड बोला जाता है ब्लॉक को, तो यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक का नाम लिखना है, और अनुमंडल में अपने अनुमंडल का नाम लिखना है, और आपका जो भी जिला है उस जिला को यहाँ पर आपको लिखना है, और राज्य में आपको बिहार डालना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जैसे कि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं ईबीसी से, तो आपको यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग डालना है। उसके बाद मैं फ्रेंड्स आपको बता दे रहा हूँ, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, मेरे माता पिता की वेतन से वार्षिक आय रुपया, तो आपको यहाँ से शब्दों में आपको यहाँ पर शून्य लिखना है, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये मतलब कि वार्षिक आय रुपया में लिखना है शब्दों में, तो जो भी आप आय प्रमाण पत्र पर जितने रुपये का आपका आय प्रमाण पत्र बना हुआ है उतना रुपया आपको यहाँ पर लिखना है, उसको शब्दों में लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ 1,35,000, मेरा इतना कहीं आय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो इतना यहाँ पर मैं उसको डाला हूँ। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्थान का, स्थान में आपको अपना गांव का नाम लिखना है, उसके बाद दिनांक में आप जिस दिनांक को इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उसका डेट यहाँ पर आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में सिग्नेचर करना है और नीचे में अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपको इस फॉर्म को भरने के बाद आपको उसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद आपको ओबीसी अप्लाई करते समय इसको वहाँ पर सबमिट करना होता है, इस फॉर्म को सबमिट करना होता है, उसके बाद आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, इन चारों को वहाँ पर आप सबमिट करेंगे तब जाकर के आपका ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप भी सीख गए होंगे कि कैसे फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।